कोविड सहायक स्वास्थ्य सहायकों का धरना शहीद स्मारक पर आज 23वें दिन भी धरना जारी है। कल दिल्ली गया हुआ दल वापस जयपुर लौट चुका है, क्योंकि चार दिन में मांगे पूरी अगर नहीं हुई तो AICC पर प्रदर्शन की चेतावनी अब आ गई है। दरअसल स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग है और 23वां दिन आज इनके धरने प्रदर्शन को लेकर के। तो स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 23वां दिन आज शहीद स्मारक पर 23 दिन से लगातार डटे हुए हैं और मांग यही है कि स्थायी कैडर में शामिल किया जाए। सरकार से बातचीत भी हुई लेकिन अभी बातचीत किसी एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है और उसके बाद अब चेतावनी उन्होंने दी है कि चार दिन के भीतर भीतर अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो AICC पर प्रदर्शन करेंगे। देखिए दो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जयपुर से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है और जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए एक बार फिर से यहां पर कोशिशें इस हद तक की जा रही है कि शांतिपूर्वक धरने के माध्यम से ये चीज यहां पर जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो चार दिन के बाद AICC पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। दूसरी तस्वीरें भी जयपुर से शहीद स्मारक के स्थल से, जहां देखिए आप महिलाएं भी मौजूद हैं इनके साथ में और साथ ही बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हैं। गर्मी का समय है, भीषण गर्मी के समय में 23 दिन तक खुले आसमान के नीचे तेज तपती धूप के भीतर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो मांग उनकी यहाँ पर साफ है और सटीक मांग अपने तरफ से बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्थायी कैडर में, चूंकि कोविड के दोनों काल में जिस तरीके से उन्होंने सरकार के साथ में और चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर कार्य किया, डोर टू डोर यहां पर कार्य किया और ऐसे समय में जैसा उनका कहना है, उनकी तरफ से कहा भी जा रहा है कि जो समय में परिवार के लोगों ने साथ लोगों का छोड़ दिया था, स्वास्थ्य सहायक थे जो कि सामने आए, आगे आए और अपने परिवार को पीछे छोड़ करके अपनी पूरी सेवाएं उन्होंने दी, लेकिन 28,000 से ज्यादा स्वास्थ्य सहायकों को अपने पद से मुक्त कर दिया गया, जिस वजह से उनका भविष्य फिलहाल अधड़ झूल में है और स्थिति को देखते हुए 23वां दिन आज उनके प्रदर्शन का स्थायी कैडर में शामिल करने की मांग लगातार कर रहे हैं। और ये भी कह दिया है कि दिल्ली जो दल गया था, हालांकि बातचीत के लिए वापस से जयपुर लौट आया है वो, क्योंकि बातचीत जो बनी वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में नहीं थी और इस बात से संतुष्ट भी नहीं नजर आए। इसी को लेकर के चार दिन में मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो AICC पर प्रदर्शन की धमकी और चेतावनी दी है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी काशीराम चौधरी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से लाइव बने हुए हैं। काशीराम, देखिए 23वां दिन धरने का आज दिल्ली एक दल पहुंचा था हालांकि बातचीत के लिए, लेकिन दिल्ली से वापस लौट आया है और अब कह दिया है साफ तौर पर कि अगर चार दिन में जो मांगे हैं स्थायी कैडर पर सहमति है, अगर स्थायी कैडर पर नहीं बनती तो AICC में प्रदर्शन करेंगे। आप वहां पर मौजूद हैं क्या फिलहाल, वहां पर स्थिति बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कोविड स्वास्थ्य सहायक उनका धरना लगातार चल रहा है, आज 23वां दिन है। दिल्ली जो प्रतिनिधिमंडल गया था वो वापस लौटाया और चार दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है केंद्र सरकार को कि अगर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के जो दफ्तर है अजय माकन का दफ्तर, वहाँ पर वो अल्टीमेटम देकर लौटे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है चार दिन में तो वो AICC पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, AICC मुख्यालय पर धरना देंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए आज यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है। आज एक ये सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन यहाँ पर किया गया है जिसमें कि जो ये कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं वो सभी इस में शामिल हो रहे हैं और इसमें धरना यहाँ पर दिया जा रहा है और साथ में सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। और इन सब की मांग यही है, कहना यही है कि सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए जो चिकित्सा मंत्री हैं परसादी लाल मीणा, उनको सद्बुद्धि आए ताकि वो इनके बारे में कुछ भला सोचें, अच्छा सोचें और इनको जो समाहित करना है स्थायी कैडर में, जो शामिल करने की इनकी मांग है, उस मांग को पूरा किया जाए, उस सबको लेकर यहाँ पर इनकी ये सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पर चल रहा है। अलग अलग नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है इनके प्रतिनिधि हैं, उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो आपका यज्ञ चल रहा है, क्या क्या मांग है आपकी, आज भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, ये सद्बुद्धि एक सरकार के लिए, और डॉक्टर परसादी लाल जी हैं चिकित्सा मंत्री, उन्होंने दो दिन पहले बयान दिया था कि ये भर्ती तो ऐसे ही करवाई गई थी, क्या राजस्थान सरकार कोई जिम्मेदार सरकार नहीं है जो ऐसे ही कोई भर्ती करवा देगी। हमारा भर्ती की सारी प्रोसेस हुई है, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है और भर्ती की जो भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस करके हमें शामिल किया गया है। मेरिट बेस पे आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आरक्षित आधार पे हमारी मेरिट आई थी
और परसेंटेज बेस पे हमें शामिल किया गया है। तो उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि प्रसादी लाल जी को भगवान सद्बुद्धि दे कि वो ऐसे बयान और ऐसी बातें अनरगल बातें वो आगे से मीडिया में नहीं कहें, क्योंकि एक मंत्री का बयान है वो एक मतलब पार्टी के प्रतिनिधि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बयान होता है और वो राजस्थान के पूरी लोगों के बीच में जाता है, और चिकित्सा मंत्री जी का ऐसा बयान जाना तो लोगों के बीच में एक खलबली सी मच गई है। और कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे चिकित्सा मंत्री कैसे बयान दे सकते हैं कि ऐसे ही भर्ती करवा दी, ऐसी कोई भर्तियां नहीं। तो भर्ती की एक प्रोसेस होती है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। निश्चित रूप से भर्ती किसी न किसी प्रोसेस से ही हुई थी, पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। और जब एक तरफ चिकित्सा मंत्री का ये बयान आया आप लोगों को बुरा लगा, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं, चाहे वो पंजाब के प्रभारी हो, कांग्रेस के हरीश चौधरी हों, या यहाँ के मंत्री राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया बास हों, वो सभी आपको आश्वस्त कर भी रहे और साथ में मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुँचाने की भी बात कर रहे हैं, तो वो बात आगे कहाँ तक बढ़ रही है? वो बात कल प्रताप सिंह जी खाचरियावास से सुबह मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने 1 बजे सीएम साहब से मीटिंग में उन्होंने कहा कि वॉलंटियर फोर्स पे कोई चर्चा नहीं की जा सकती। फिर हमारा शाम को डेलीगेशन गया, उसके बाद सरकार ने वॉलंटियर फोर्स पे अब एक तरीके से रोक लगा दी है, अब नए सिरे से कोई चर्चा होगी और उसके बाद हमारे भविष्य को लेके, क्योंकि वॉलंटियर फोर्स में हमारा भविष्य किसी भी तौर पे सुरक्षित नहीं है। एक मतलब हम सोच नहीं सकते एक डिग्रीधारियों की वॉलंटियर फोर्स कैसे हो सकती है, उसमें तो 10 दिन काम है तो 10 दिन बुला लेंगे, अगर 2 घंटे काम है तो 2 घंटे बुला लेंगे, फिर पूरे 30 दिन का खर्चा हम कैसे चलाएंगे, घर का खर्चा हम कैसे चलाएंगे? तो हमें वॉलंटियर फोर्स की जरूरत नहीं है, हमें सुविधा कैडरे एनएचएम में शामिल करके। आश्रम ये जो धरना है 23वां दिन है इस धरने का, उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये खत्म हो।